नमस्कार, आदाब। मैं अंजलि शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं जन जागृत न्यूज चैनल में। आइए आज हम आपको दिखाते हैं कोरांव प्रयागराज की खास खबर। कोरांव तहसील अंतर्गत बार एसोसिएशन कोरांव के नव निर्वाचित पदाधिकारियों के साथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य ऊर्जा मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल मुख्य अतिथि रहे। ऊर्जा मंत्री रमाशंकर सिंह ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो सभी वर्ग समुदाय के लिए विकास करना चाहती है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार लगातार काम कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए, इस पर सरकार काम कर रही है। पूर्ववर्ती सरकारों ने जिस प्रकार से जनता के साथ काम किया है, उसके बारे में भी जनता से छिपा नहीं है। 8 घंटे भी बिजली पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में नहीं दिया जाता था, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से बिजली की आपूर्ति बराबर की जाती है। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक राजमणि कोल ने कहा कि जैसे ही विधायक नीति आएगी, मैं बार एसोसिएशन कोरांव तहसील परिषद को 10 लाख रुपये अनुदान देने की घोषणा करता हूँ। मैं इस क्षेत्र का बेटा हूँ, जो सेवक बनकर आपके बीच में आया हूँ। मैं निरंतर आप सभी वर्ग समाज के लोगों का पूरी निष्ठा के साथ विकास का कार्य करूँगा। आइए देखते हैं वीडियो क्लिप। कि उत्तर प्रदेश सरकार के आप ऊर्जा मंत्री हैं, तो अपने ऊर्जा क्षेत्र में कोरांव को क्या देना चाहेंगे? कोरांव पूरे प्रदेश को, यहाँ VIP जनपद नहीं, हम पूरे प्रदेश को एक समान विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं। और कोरांव में जो कमी होगा, हम अभी यहाँ लोगों से पूछ लेंगे, तो कमी होगा निश्चित रूप से विद्युत के क्षेत्र में जो कमियाँ होगी उसकी हम सुधार। सर एक सवाल और है सर, आपकी सरकार है केंद्र में और प्रदेश में, तो गांव में आपकी कैसी सरकार बनानी है जो पंचायत चुनाव आ रहा है? पंचायत चुनाव में हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़े, हम लोग पंचायत चुनाव में भी हमारी सरकार ने संगठन ने स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत चुनाव हमारा जो कार्यकर्ता लड़ना चाहे लड़ेगा, उसका भी समर्थन करेगा। अधिवक्ता संघ के कार्यक्रम में अधिवक्ताओं के बीच में बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करना गुनाह, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में होने के कारण, उनका नेतृत्व करने के कारण, कहीं न कहीं से कुछ महत्वपूर्ण बातें तो है। आज अधिवक्ता हमारे बुद्धिजीवी समाज हैं, जिनका हमें भी प्रयोग करना पड़ता, हम भी अपने दुख सुख में उनको याद करते हैं। आज उत्तर प्रदेश की सरकार, आज कल्पना करिए, आज चाहे अधिवक्ता के हित की भी बात हो, चाहे कानून व्यवस्था के क्षेत्र में हो, चाहे विकास के क्षेत्र में हो, उत्तर प्रदेश की पारदर्शी सरकार और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देश की सरकार, इनके कार्यकाल और देश की स्थिति और प्रदेश की स्थिति के बारे में हमको नहीं लगता कि यह समाज नहीं जानता है। आज कुछ न कुछ हमारे अधिवक्ताओं के लिए पूरे प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने काम किया। आज हम कृषि दुर्घटना बीमा से आच्छादित किसानों करते थे, लेकिन हमारी सरकार ने अब हमारे इस अधिवक्ता को भी 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है, किसी से छिपा नहीं है। आज हम अपने अधिवक्ताओं को 5,000 रुपए उनको बुक के लिए 3 साल के अंदर जिनका रजिस्ट्रेशन है उनको हम 5,000 रुपया देते हैं। कई ऐसे, चूंकि हमारे जो इस संगठन के मंत्री हैं आदरणीय ब्रिजेश पाठक, जिससे भाई नीलकंठ तिवारी जी जो अधिवक्ता हैं, बराबर इन लोग सरकार में रह करके अधिवक्ता भाइयों की पहल करते हैं, लेकिन कुछ सरकार की कहीं कहीं मजबूरी होती है। बहुत ऐसे काम जो उत्तर प्रदेश सरकार की है, जो अधिवक्ताओं के हित में बहुत ज्यादा विस्तृत है, चूंकि सारे लोगों को लगभग पता है, लेकिन कुछ बिंदु विकास के बारे में करूं। चूंकि अभी हमारे वकील साहब ने कहा कि वास्तव में कोरांव के लोग भी भाग्यशाली कि जहां वास्तव में 52 बीघा का यह कैंपस है, 52 बीघा में हमारे विधायक जी दे रहे हैं, यहाँ के सांसद भी दे दें, हम लोग प्रदेश सरकार से भी कह करके
कुछ न कुछ और यहाँ विकास करा दिया जाए, जिससे यहाँ कोराड वास्तव में बड़ा प्रयाग से बहुत दूर है। जो अपराधियों का यह भी क्षेत्र मैं जानता हूँ, कोराड क्षेत्र भी बहुत अपराधियों के चंगुल में फंसा, लेकिन आज हम लोगों ने देखा कि आज अपराधियों की हौसला पस्त है। आज अपराधी भाग कर खड़े हो गए। काली कमाई करने वाला व्यक्ति जो 100-200 करोड़ का काली कमाई करके जब गरीबों को व्यापारियों को लूटा था, आज उसकी बिल्डिंगों को धराशाही करके उसको सबक सिखाया जा रहा है। इतना कठोर आज हमने देखा कि बनारस में हम लोग सटा है, बड़े बड़े व्यापारी उत्पीड़ित रहते थे, एक छोर अपराधियों का जाता था, माफियाओं का जाता था, 2-4, 10 लाख, 20 लाख मिनटों मिनट में व्यापारी मजबूरी में पहुंचा देता था, किसको अपने बाल बच्चे का चैन नहीं था। लेकिन आज कहीं कहीं से मैं ऐसे मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें जन जागृत न्यूज, सच के साथ साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।